A very good morning to all of you. I am Sayed Mudassar, your new teacher. I am taking your PS second subject, and today we will learn about incompatibilities in prescription and how to minimize it by applying pharmaceutical scheme. So incompatibility means inconsistency or bejodta. Incompatibility occur as a result of mixing two or more antagonistic substances. Means जब हम दो ऐसे substance को ऐसे पदार्थ को mix करते हैं आपस में जो एक दूसरे के opposite हो या एक दूसरे के दुश्मन हो, so या immiscible हो, तो वो एक undesirable product form करते जो कि unwanted और नापसंदा प्रोडक्ट फॉर्म करते जो कि फार्मूलेशन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की सेफ्टी एफिकेसी और उसके अपीयरेंस को वो अफेक्ट करते असर करते या प्रभावित करते. फॉर एग्जांपल ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन ड्रग विथ एडिटिव्स और एडजुवेंट्स और डोसेज एरर मींस ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन इन दैट अगर हमने वारफरिन और सैलिसाइलेट्स एंटीकोगुलेंट ड्रग्स और ओपोडाइन जैसे को एक साथ पेशेंट्स को दिए तो वो उसके अंदर तो वो हेमरेज प्रोड्यूस करता है या फिर ये आम लैंग्वेज में कहें तो वो ब्लीडिंग भी हो सकती है. और डोसेज एरर मींस इन प्रॉपर मैनर इन डोसेज. अगर डोसेज ड्रग का डोसेज कम ज़्यादा हुआ तो उसकी वजह से भी इनकम्पेटिबिलिटी होती है. तो ये सब चीज़ें इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर आती है. और इनकम्पेटिबिलिटी में नॉट ऑकर ड्यूरिंग कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग. इनकम्पेटिबिलिटी सिर्फ कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग की टाइम ही नहीं होती बल्कि वो फॉर्मुलेशन के ड्यूरिंग भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम भी हो सकती है, पैकेजिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के, या अगर कोई पेशेंट आगे पीछे दवा एडमिनिस्टर या लेता है तो उसकी वजह से भी इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है. Nowadays the prescription are generally written for the official medicine. अभी के दिनों में ऐसा हो गया है कि जो भी prescription लिखा जा रहा है वो मतलब official medicine के लिए लिखा जा रहा है जो कि already manufactured है by pharmaceutical company के. पहले कैसा होता था कि आपने prescription chapter में पढ़ा हूँ आपके कि the prescription is written order to the registered pharmacist to compounding and dispensing to specific patient to specific medicine. तो अभी ऐसा नहीं रहा. अभी कैसा हो गया कि हर medicine already manufactured है by pharmaceutical industries से. तो the prescription are rarely compounded and dispensed in a chemist shop or hospital pharmacy. और मुश्किल से hospital pharmacy के अंदर और chemistry shops के अंदर प्रिस्क्रिप्शन कंपाउंड हो रहे या फिर डिस्पेंस हो रहे. सो फार्मासिस्ट हार्डली नोटिस इनकम्पेटिबिलिटी. तो यही वजह से फार्मासिस्ट बड़ी मुश्किल से मतलब इनकम्पेटिबिलिटीज को नोटिस कर रहे हैं. हाउ एवर द पॉसिबिलिटी ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी ऑकर, हालांकि बहुत सी पॉसिबिलिटी ऐसी है इनकम्पेटिबिलिटी को होने की. वेन मेडिसिन आर डाइल्यूटेड और मिक्स टुगेदर, जब कोई दो मेडिसिन आपस में हम मिक्स करेंगे और उसकी वजह से भी हो सकती है, या फिर स्टोर इन अनसुटेबल कंटेनर के अंदर अगर उसको स्टोर किया हुआ है या फिर रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो वो वजह से भी इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है. नेक्स्ट द टाइप्स ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी. फर्स्ट वन फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी एंड थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी. सो वी विल सी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी फर्स्ट. व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर कंबाइंड टुगेदर, जब हम दो से ज़्यादा सब्सटेंस को कंबाइंड करेंगे एक दूसरे के साथ तो फिजिकल चेंजेस हो जाएंगे और एक अनएक्सेप्टेबल और यू मे सी दैट अनडिजायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे जिसकी वजह से फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है. आमतौर पर देखा जाए तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी तीन वजह से भी हो सकती है, इमिसिबिलिटी, इंसॉल्युबिलिटी और प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन और लिक्विफैक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल. इन सब की वजह से भी
फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी होती है. दीज चेंजेस विच ऑकर एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, ये जो भी चेंजेस होंगे ये सब फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से होंगे, जो कि आसानी से और यूजुअली विजिबल एंड कैन बी इजीली करेक्टेड बाय, और ये आसानी से दिखती है और उसको हम इजीली आसानी से करेक्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फार्मास्यूटिकल स्किल और अप्लाइंग बाय फार्मास्यूटिकल स्किल. फार्मास्यूटिकल स्किल के ये में से डा तो हम उसको ऐसा भी कही तो चलेगा कि उसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट और इमल्सिफाइंग एजेंट भी ऐड किए, तो उससे इनकम्पेटिबिलिटीज दूर कर सकते हैं या उसको अवॉइड कर सकते हैं. टू ऑप्टेन अ प्रोडक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डोसेज, हम उसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए या उसके यूनिफॉर्म डोसेज को प्रोडक्ट को यूनिफॉर्म डोसेज में मेंटेन करने के लिए उसको कर सकते हैं. एन अट्रैक्टिव अपीयरेंस एंड हैविंग सेटिस्फैक्ट्री थेरेपेटिक एक्टिविटी, और उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए या उसकी थेरेपेटिक एक्टिविटी को सेटिस्फैक्ट्री देने सेटिस्फाई करने के लिए इसको भी कर सकते हैं. द फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी कम्पेटिबिलिटीज मे बी करेक्टेड बाय यूजिंग एनी वन और मोर फॉलोइंग मेथड, जैसे कि हम फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी को उसको करेक्टेड कर सकते हैं, अगर उसके अंदर कुछ कमी है या कुछ एरर्स है तो उसको हम दूर कर सकते हैं ये मेथड्स के जरिए. फर्स्ट वन, चेंज द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी इंग्रेडिएंट है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखे हुए तो उसके उसको चेंज कर सकते हो, वो इंग्रेडिएंट को उसके मिक्सिंग ऑर्डर को, तो उसको हमको कैसा मिक्स करना है कैसा नहीं मिक्स करना है. या फिर सेकंड, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफाई एजेंट के जरिए भी उसको कर सकते हैं. एडिंग एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, उसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट डाल के भी उसको ऐड करके भी दूर कर सकते हैं. चेंज इन द फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट, अगर कोई इंग्रेडिएंट सॉलिड फॉर्म में तो उसको लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं, तो ऐसे उसको फॉर्म में चेंज करके हम इनकम्पेटिबिलिटी को दूर कर सकते हैं. और बाय एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और ओमिशन ऑफ थेरापेटिकली इनएक्टिव सब्सटेंस टू हेल्प इन कंपाउंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, और या फिर हम उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन या थेरापेटिकली एक्टिव सब्सटेंस जो भी है हम उसके अंदर ऐड कर सकते टू हेल्प इन मतलब कंपाउंडिंग को कंपाउंडिंग करने के लिए. सेकंड, द एग्जांपल ऑफ फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज एंड देयर मेथड्स ऑफ करेक्शन. फर्स्ट वन, इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी एंड प्रेसिपिटेशन एंड लिक्विफेक्शन. तो फर्स्ट इन दैट वी सी, फर्स्ट इमिसिबिलिटी इन दैट ऑयल एंड वाटर आर मिसिबल विथ ईच अदर, जैसे कि हम ऑयल और वाटर को एक साथ मिलाए तो वो आपस में मिक्स नहीं होंगे, इमिसिबल है दोनों भी, तो हम उसको मिसिबल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम उसके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करेंगे. फॉर एग्जांपल ट्रागाकांत और फॉर एग्जांपल ट्रागाकांत अकेशिया एक्सेट्रा. सो इन दिस वी द कैस्टर ऑयल 50 ml एंड वाटर अप टू 60 ml, तो हम इसको इमल्शन बनाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर हम इमल्सिफाइंग एजेंट करेंगे. सो इन दिस प्रिस्क्रिप्शन कैस्टर ऑयल इज मिसिबल विथ वाटर, इमिसिबल विथ वाटर टू ओवरकम दिस इनकम्पेटिबिलिटी एंड इमल्सिफाइंग एजेंट इज यूज टू मेक एंड गुड इमल्शन. जैसे कि हम उसके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करेंगे अकेशिया ट्रागाकांत एक्सेट्रा, तो वो एक गुड इमल्शन बन जाएगा. सेकेंड, नेक्स्ट इनसॉल्युबिलिटी. इनसॉल्युबिलिटी मीन्स इन एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मीन्स कोई सब्सटेंस कोई सॉलिड है मटेरियल या सब्सटेंस वो, तो उसकी कोई ऐसी सलाहियत नहीं है कि वो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो सके, तो इसको अमन बोलेंगे इनसॉल्युबिलिटी. द मेजोरिटी ऑफ फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज आर ड्यू टू इनसॉल्युबिलिटी,
आपके सबसे बड़ी वजह जो है इनकम्पेटिबिलिटीज़ की, वो इनसॉल्युबिलिटीज़ की वजह से होती है ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड की और ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से हो सकते हैं इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर। देन द लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड सच एज चॉल, एरोमेटिक चॉल पाउडर, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, फेनासिटिन, जिंक ऑक्साइड एंड कैलामाइन, ये सब ऐसे सब्सटेंस है जो सॉलिड के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर इनडिफ्यूजिबल है, जो कि आसानी से डिफ्यूजिबल या डिजॉल्व नहीं हो सकते। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अ सस्पेंडिंग एजेंट में भी इनकॉम्पेटिबल, इसके अंदर हम सस्पेंडिंग एजेंट को मिलाएंगे टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ प्रिपरेशन, मतलब हम जो भी सॉल्वेंट है उसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए उसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करेंगे, और ये हेल्प करेगा टू मेंटेन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और जितने भी ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो उसको मेंटेन, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, उसको मेंटेन करेगा इनसॉल्युबल सब्सटेंस को, इसमें ये सॉल्वेंट बनाने इसके लिए, और सफिशेंट लॉन्ग टाइम आफ्टर शेकिंग, और एक सफिशेंट लॉन्ग टाइम के लिए जब शेकिंग करेंगे तो उसको हेल्प करेगा कि जो भी इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस है वो सॉल्युबलाइज हो जाए और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ये सॉल्वेंट्स के अंदर, और एंड यूनिफॉर्म मेजरमेंट ऑफ ईच डोज, और हर एक डोज के अंदर वो एक यूनिफॉर्म लेवल के अंदर आ सके। इसकी एग्जांपल ये है कि फिनाइसिटिन, कैफीन, ऑरेंज सिरप, वाटर अप टू 90 ml, मैक अ मिक्सचर, इन दिस प्रिस्क्रिप्शन फेनासिटीन इज एन इनडिफ्यूजिबल सब्सटेंस, कंपाउंड पाउडर ऑफ ट्रागाकांत और म्यूसिलेज ऑफ ट्रागाकांत इज यूज एज अ सस्पेंडिंग एजेंट टू मेक अ स्टेबल सस्पेंशन। अब ये जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है, ये इसके अंदर जो भी फेनासिटीन है ये इनडिफ्यूजिबल सब्सटेंस है, तो हम इसको डिफ्यूजिबल करने के लिए क्या इसके अंदर ऐड करेंगे, हम सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ट्रागाकांत और म्यूसिलेज, उसको एक स्टेबल सस्पेंशन बनाने के लिए। ओके, ड्रग सच एज सल्फर, एंटीबायोटिक्स एंड सर्टेन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो भी ड्रग है सल्फर, एंटीबायोटिक और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये सब वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है एंड आर डिफिकल्ट टू वेट विथ वाटर, और ये वाटर के साथ मिक्स होने में ये थोड़े मुश्किल है। सो वेटिंग एजेंट्स लाइक सैपोनिन्स एंड पॉलीसॉर्बेट्स आर यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द पाउडर इन वाटर। सो हम इसके अंदर क्या करेंगे, वेटिंग एजेंट ऐड करेंगे, सैपोनिन्स और पॉलीसॉर्बेट टू डिस्ट्रीब्यूट इन अ यूनिफॉर्म डोज डिस्ट्रीब्यूट द पाउडर इन वाटर। तो हम वाटर के अंदर इन सब ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम वेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे। थर्ड, प्रेसिपिटेशन, अ ड्रग इन अ सॉल्यूशन में भी प्रेसिपिटेट, अगर कोई सॉल्यूशन के अंदर कोई ड्रग है तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा इफ़ द सॉल्वेंट इन विच इट इज सॉल्यूबल इन सॉल्यूबल इज एडेड टू द सॉल्यूशन। अगर हम कोई सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्यूबल मैटर या इनसॉल्यूबल सब्सटेंस को ऐड करते वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रेजिन्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, जो रेजिन्स है वो वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल है। देन व्हेन टिंक्चर कंटेनिंग रेजिनस मैटर इज एडेड इन वाटर, और जब टिंक्चर कंटेनिंग रेजिनस मैटर, जो टिंक्चर के अंदर रेजिनस जो मैटर है उसको हम अगर वाटर के अंदर ऐड करें तो वो रेजिन्स के एग्लोमरेट्स मीन्स रेजिन्स के एक मास फॉर्म करेंगे जो के इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट को फॉर्म करेंगे, और दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय, और हम इसको रोक सकते हैं बाय स्लोली एडिंग द अनडाइल्यूटेड टिंचर, और हम धीरे धीरे अनडाइल्यूटेड टिंचर को ऐड करके इसको रोक सकते हैं विद विगोरस स्टरिंग, और अच्छे से खूब अच्छी तरह से स्टरिंग करके इसको रोक सकते हैं टू द डाइल्यूटेड सस्पेंशन, और बाय एडिंग सम सूटेबल थिकनिंग एजेंट फॉर एग्जाम्पल गम, अकीशा, ट्रागाकांत, ये सब थिकनिंग एजेंट है, तो हम इसको उसके अंदर ऐड करके और अच्छी तरह से स्टरिंग करके भी इसको
प्रिवेंट कर सकते हैं प्रिसिपिटेट फॉर्म को. देन गम सच एज अकेशिया ट्रागाकांत एंड अगर सुगर एंड मेनी अदर्स हाइड्रोकोलाइड्स आर प्रिसिपिटेट फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन. और जैसे कि गम अकेशिया ट्रागाकांत एंड अगर शुगर एंड मेनी अदर हाइड्रोकोलाइड्स आर प्रिसिपिटेट फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन. वो ये सब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रिसिपिटेट फॉर्म करते हैं बाय अल्कोहल और बाय इलेक्ट्रोलाइट्स थ्रू, और अल्कोहल के जरिए या इलेक्ट्रोलाइट्स के जरिए थ्रू डिहाइड्रेशन प्रोसेस. डिहाइड्रेशन प्रोसेस के जरिए भी ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं. दिस प्रिपरेशन विच इज मेड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. जो भी प्रिपरेशन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से बनता है, तो हमने अगर उसको वो प्रिपरेशन को अगर वाटर में मिक्स करें तो वो प्रेसिपिटेशन को वो ऑकर करेगा या वहाँ पर प्रेसिपिटेशन को पैदा करेगा. फॉर एग्जांपल टिंचर और लिक्विड एक्सट्रैक्ट व्हेन मिक्स्ड विथ सिरप. टिंचर और लिक्विड एक्सट्रैक्ट को हमने अगर सिरप के साथ मिक्स करें और सम एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिक्स करें तो ये सॉल्यूशन विल रिजल्ट इन प्रेसिपिटेशन. तो ये अगर हमने एक्वस सॉल्यूशन के साथ उसको मिक्स करें टिंचर को और लिक्विड एक्सट्रैक्ट को तो वो प्रेसिपिटेशन फॉर्म करेंगे. देन वोलेटाइल आर सोल्यूबल इन अल्कोहल. जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं वो इजीली अल्कोहल के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं. व्हेन वाटर इज एडेड इनटू द अल्कोहलिक सॉल्यूशन. जब हम वाटर को अल्कोहलिक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर हमने वाटर को ऐड करें ऑफ वोलेटाइल ऑयल के, तो वो नॉन एरोमेटिक पोर्शन ऑफ द ऑयल एंड गेट प्रिसिपिटेड एंड टर्बिडिटी अपियर्स. अगर हमने वोलेटाइल ऑयल को, जैसे कि यहाँ पर वाटर को हमने अल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर ऐड करें या वोलेटाइल के अंदर, तो वो नॉन एरोमेटिक पोर्शन को वो जो नॉन एरोमेटिक जो पोर्शन रहेगा ऑयल का वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और टर्बिडिटी अपेयर्स होंगी. देन देयर एग्जांपल टिंचर बेंजोइन कंपाउंड ग्लिसरीन रोज वाटर इन सफिशियंट क्वांटिटी टू मेक. देन द टिंचर कंपाउंड कंटेंट रेजिन. अब जो इसमें जो एग्जांपल है इसके अंदर जो टिंचर जो बेंजोइन है ये रेजिन से. द चेंज इन द सॉल्वेंट सिस्टम रिजल्ट इन एन अवॉइडेबल प्रिसिपिटेट. अब हम द चेंज इन सॉल्वेंट सिस्टम रिजल्ट इन एन अनअवॉइडेबल प्रिसिपिटेट फॉर्म. अगर सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर चेंज हुआ, जैसे ग्लिसरीन और रोज वाटर के अंदर चेंज हुआ इस सिस्टम के अंदर, तो वो एक ऐसा प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते. ऐसा प्रिसिपिटेट फॉर्म करेंगे तो हम क्या करेंगे फिर इसमें एडिशन ऑफ टिंचर विथ रैपिड स्टरिंग. टिंचर ऐड करेंगे और एकदम रैपिडली स्टरिंग करेंगे जो कि फाइन. जब रैपिड स्टरिंग करेंगे तो फाइन कोलाइडल डिस्पर्शन बनेगा. सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी सस्पेंडिंग एजेंट. तो यहाँ पर हम रैपिड स्टरिंग की वजह से फाइन कोलाइडल डिस्पर्शन बनाएंगे. सो यहाँ पर हमारे को कोई सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी. तो हमारा जो भी हम प्रिस्क्रिप्शन बना रहे हैं यहाँ पर तो वो इजिली प्रिपेयर हो जाएगा. एंड फोर्थ लिक्विफैक्शन. व्हेन सर्टेन लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड आर मिक्स टुगेदर. जब हम कुछ लो मेल्टिंग पॉइंट वाले सॉलिड को एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे तो वो एक लिक्विड और सॉफ्ट मास तैयार करेगा जो कि हम जिसको हम नॉन एज यूटेटिक मिक्सचर जो जिसको हम यूटेटिक मिक्सचर बोलते हैं और यूटेटिक मिक्सचर वहाँ पर प्रोड्यूस होगा. दिस ऑकर ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर. ये सब लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से होगा. मीन्स जो भी मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लो है, जो रूम टेम्परेचर भी जो मेल्ट हो जाते हो, तो मीन जो
ऐसे मिक्सचर जो रूम टेम्परेचर भी मेल्ट हो जाते, ऐसे मिक्सचर की वजह से भी वो लिक्विफैक्शन होता है। एंड मेनी केमिकल्स फॉर्म हाइड्रेट्स, और बहुत ज़्यादा केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हाइड्रेट्स फॉर्म कर लेते हैं, मतलब मॉइस्चर फॉर्म कर लेते हैं एंड कंपाउंड विथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ऐसे कंपाउंड रहते हैं जो वाटर के साथ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म कर लेते हैं दैट आर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर पे, और ऐसे कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं और नॉर्मल ह्यूमिडिटी पे, और नॉर्मल ह्यूमिडिटी पे भी वो स्टेबल होते हैं। बट दिस कंपाउंड विल टेंड टू रिलीज देयर वाटर ऑफ हाइड्रेशन। बस बहुत से कंपाउंड जो है वो उनकी जो भी वाटर उनका वो रिलीज कर देते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वो मेल्ट होना चालू हो जाते हैं, और अगर डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी डिक्रीज हुई तो भी वो मेल्ट होना चालू हो जाते हैं। द मेडिकमेंट्स शोविंग दिस टाइप ऑफ बिहेवियर आर कैम्फर। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी कैम्फर को अगर हमने रूम टेम्परेचर पर रखे तो वो खुद ब खुद पिघलना चालू हो जाता है। और दूसरी एग्जांपल NaOH, हम प्रैक्टिकल में जो यूज़ करते हैं NaOH, अगर उसको हमने रूम टेम्परेचर पे ऐसी खुला रख दी तो वो भी पिघलना चालू हो जाता है। कैम्फर, मेंथोल, थाइमोल, फिनोल, क्लोरॉल हाइड्रेट एंड एस्पिरिन, ये सब ऐसे जेंटेज और रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती है। दिस टाइप्स ऑफ सब्सटेंस क्रिएट प्रॉब्लम व्हेन दे आर डिस्पेंड इन अ पाउडर फॉर्म। और ये जो भी सब्सटेंस है ये पाउडर फॉर्म ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब हम इसको पाउडर फॉर्म के अंदर डिस्पेंस करते हैं। दिस सब्सटेंसेस कैन बी डिस्पेंस बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये सब ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब हमको पाउडर फॉर्म के अंदर बना रहे होते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। मॉइस्चर बहुत जल्दी मॉइस्चराइज हो जाते हैं। एंड दिस सब्सटेंस कैन बी डिस्पेंस बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। हम ऐसे मेथड देखेंगे जो ये सब्सटेंस को डिस्पेंस करते हैं जो कि पाउडर फॉर्म के अंदर डिस्पेंस करने के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इजीली डिस्कम्पोज हो जाते हैं या इजीली मेल्ट होना चालू हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो हम ऐसे सब्सटेंस का भी डिस्पेंस करना देखेंगे जो फॉलो मेथड दिए हुए। फर्स्ट वन, ट्राइचुरेट टुगेदर टू फॉर्म लिक्विड एंड मिक्स विथ एब्जॉर्बेंट। हम इन सबको एक दूसरे के साथ ट्राइचुरेट करेंगे और टू फॉर्म लिक्विड, मतलब उसको लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए, एंड मिक्स विथ एन एब्जॉर्बेंट, और एब्जॉर्बेंट के साथ उसको मिक्स करेंगे लाइट क्वेलिन और लाइट मैग्नीशियम के साथ उसको मिक्स करेंगे टू प्रोड्यूस फ्री फ्लोइंग पाउडर। मीन्स हम उसको फ्री फ्लोइंग पाउडर बनाने के लिए, जो आसानी से जो फ्लो हो जाए पाउडर, ऐसा पाउडर बनाने के लिए हम उसको उसके अंदर हम लाइट मैग्नीशियम और लाइट क्योलिन और लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट डालेंगे और एक दूसरे के साथ उसको मिक्स करेंगे। एंड दिस इंडिविजुअल मेडिकमेंट्स इज पाउडर्ड सेपरेटली एंड मिक्सड विथ एन एब्जॉर्बेंट। और जो भी ये इंडिविजुअल मेडिकमेंट्स है उसको हम सेपरेट करेंगे एंड मिक्स करेंगे एब्जॉर्बेंट के साथ और कंबाइन करेंगे एक साथ और कंबाइन टुगेदर लाइटली एंड फिल्ड इन सूटेबल कंटेनर। और उसको हम लाइटली कंबाइन करेंगे और एक सूटेबल कंटेनर के अंदर उसको फिल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेंथोल, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट में कैन इंसफ्लेशन। इन दिस प्रिस्क्रिप्शन मेंथोल, कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड गेट लिक्विफाइड ऑन मिक्सिंग विथ ईच अदर। अब जैसा कि हमने देखे थे कि ये जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स है ये रूम टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो जाते हैं, जैसे कि कैम्फर, NaOH, मेंथोल, तो अब हमको इनका प्रिस्क्रिप्शन बनाना है, इसको डिस्पेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, सबको
इन सबको मिक्स करेंगे तो क्या करेंगे, ये लिक्विफाइड हो जाएंगे, पिघल जाएंगे एक दूसरे में और मिक्स हो जाएंगे। टू डिस्पेंस दिस प्रिस्क्रिप्शन मैंथोल कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड आर ट्राइसुलेटेड टुगेदर। तो हम क्या करेंगे, ये प्रिस्क्रिप्शन में मैंथोल कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड को ट्राइसुलेट करेंगे एक दूसरे के साथ टू फॉर्म लिक्विड, उसको उनको लिक्विड बनाने के लिए। एंड फिर हम मैग्नीशियम कार्बोनेट ऐड करेंगे। हम क्या ऐड करेंगे, फिर लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट ऐड करेंगे एंड अच्छे से इसको मिक्स करेंगे एंड थ्रोली टू फ्री मेक फ्लोइंग पाउडर। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको फ्री फ्लोइंग पाउडर बना लेंगे। सो हमने इसके अंदर क्या देखा, लिक्विफेक्शन के अंदर बहुत से सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे जो रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते, तो हमको इनका पाउडर फॉर्म करने में या उनके इनके पाउडर बनाने में हमको बहुत मुश्किल आती। तो हम क्या करते हैं, जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल में यहाँ पर एक प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, हमने क्या किया इसके अंदर कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड को एक दूसरे के मैंथोल कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड को एक दूसरे के साथ ट्राइसुलेट किए, उसको मिक्स किए और उसका लिक्विड फॉर्म बनाए और उसके अंदर लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट को मिक्स किए और एक फ्री फ्लोइंग पाउडर को हमने डिस्पेंस किए। सो यहाँ पर हमारी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या थी वो एंड हुई और आगे के चैप्टर में हम केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी देखेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टार्ट सेकंड टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी, दैट इज केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। इन दैट वी सी केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी में रिजल्ट ऑफ केमिकल इंट्रैक्शन बिटवीन इन्ग्रीडियंट्स। मीन्स जो भी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर इन्ग्रीडियंट्स दिए हुए होते हैं, लिखे हुए होते हैं, तो उसमें अगर वो एक दूसरे से इंट्रैक्शन होते तो ये वजह से केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी होती है और वो टॉक्सिक और इनएक्टिव प्रोडक्ट फॉर्म करती है जो कि हमारे लिए हार्मफुल और टॉक्सिक हो सकते हैं। वाइल डिस्पेंसिंग सच प्रिकॉशन द प्रिस्क्रिप्शन, ऐसे प्रिस्क्रिप्शन हमको डिस्पेंस करने से पहले हमको द प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट। मतलब ऐसे प्रिस्क्रिप्शन हमको बनाने से पहले प्रिकॉशन लेना चाहिए क्या वो हार्मफुल प्रोडक्ट फॉर्म ना हो पाए, और टू करेक्ट देम एंड प्रिस्क्राइबर मस्ट बी इन्फॉर्म इन दिस रिगार्ड। और उसको करेक्ट करना चाहिए और जो प्रिस्क्राइबर जो उसको लिख रहा है, जो भी डॉक्टर वगैरह उसको लिख रहा है, तो वो उसको पता होना चाहिए क्या ये इसके अंदर इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है। देन इन केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज ऑफन ऑकर ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस। और जो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू भी हो सकती है। मीन्स ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से भी हो सकती है और एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस की वजह से भी हो सकती है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब एक साथ बहुत से ड्रग इंट्रैक्शन कर रहे हैं या बहुत सी रिएक्शन की वजह से भी वो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है। दिस रिएक्शन में भी नोटिस बाय प्रेसिपिटेशन। और ये जो भी रिएक्शन है ये प्रेसिपिटेशन अगर वो फॉर्म कर रही है ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग, सो इसकी वजह से तो हम प्रेसिपिटेशन की वजह से क्या वो कैसा प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसके अंदर, उसकी वजह से हम उसको नोटिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर इफर्वेसेंट बन रहे हैं या वो डीकम्पोज हो रहा है या वो कलर चेंज हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, और बाय एक्सप्लोशन या एक्सप्लोशन के थ्रू हम पता कर सकते हैं ये प्रोडक्ट के अंदर क्या ये प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो हम बना रहे हैं उसके अंदर केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है। द प्रिस्क्रिप्शन हैविंग केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी शुड बी डिस्पेंस
अब जो भी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी है, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी है, तो हम उसको, तो हमको उसको करेक्शन करना चाहिए, डिस्पेंस्ड ओनली आफ्टर इट्स करेक्शन बाय प्रिस्क्राइबर। मतलब हमने उसको डिस्पेंस करने से पहले करेक्शन करना चाहिए थ्रू द प्रिस्क्राइबर, जो प्रिस्क्राइब कर रहा है डॉक्टर वगैरह, तो उससे हमको करेक्शन करवाना चाहिए कि भाई इसके अंदर कोई इनकम्पेटिबिलिटी तो नहीं है, ये कोई जो भी ड्रग आप लिख रहे हैं इसके अंदर कोई केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी तो नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल ये ड्रग, ये इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे से इंट्रैक्शन तो नहीं कर सकते, या फिर इसके अंदर कोई ड्रग इंट्रैक्शन की वजह से तो नहीं केमिकल इनकम्पेटिबल हो रही, तो ये हमको पहले चेक करना है। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज आर टू टाइप्स। अब यहाँ पर केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज की दो टाइप है। फर्स्ट वन टॉलरेटेड, इन टॉलरेटेड इनकम्पेटिबिलिटीज द केमिकल इंट्रैक्शन कैन बी मिनिमाइज बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। मीन्स हम इसके अंदर जो टॉलरेटेड इनकम्पेटिबिलिटी है, हम इसके अंदर केमिकल इंट्रैक्शन को कम कर सकते बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। मतलब जो भी चेंज हमारा जो भी मिक्सिंग करने का जो तरीका है उसको जो उसको चेंज करके हम केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी को मिनिमाइज या उसको कम कर सकते हैं। द सॉल्यूशन इन डायल्यूट फॉर्म, मींस हम मिक्सिंग के टाइम सॉल्यूशन इन डायल्यूट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, हम क्या हम पाउडर की जगह हम सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, और बट नो अल्ट्रेशन इज मेड इन फॉर्मुलेशन। बट फॉर्मुलेशन के टाइम हम कोई भी अल्ट्रेशन नहीं कर सकते उसके अंदर कि भाई ये केमिकल नहीं है तो उसकी जगह दूसरा डाल दो, या इसका कोई सब्सटीट्यूट ले लो, या ये नहीं है तो दूसरा कोई केमिकल यूज़ कर लो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम। सेकंड, एडजस्टेड इनकम्पेटिबिलिटी। इन एडजस्टेड इनकम्पेटिबिलिटीज द केमिकल रिएक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिशन और सब्सटीट्यूशन। हम इसके अंदर हम इसको रोक सकते हैं एडिशन और सब्सटीट्यूशन वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट्स। मतलब हम कोई ऐसे इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं तो हमारे को पता है कि भाई ये केमिकल इससे इंट्रैक्ट कर सकता है, एक दूसरे से इंट्रैक्ट कर सकता है, तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं विथ अनदर ऑफ इक्वल थेरापेटिक वैल्यू। और वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी थेरापेटिक वैल्यू सेम हो। फॉर एग्जाम्पल कैफिन सिट्रेट कैन बी सब्सटीट्यूटेड विथ कैफिन इन सोडियम सैलिसिलेट एंड कैफिन सिट्रेट मिक्सचर। मतलब जो कैफिन सिट्रेट है हम इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं किसके साथ, कैफिन इन सोडियम सैलिसिलेट और कैफिन सिट्रेट मिक्सचर के साथ उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हम। देन द केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी मे बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। मीन्स ये दो टाइप की भी हो सकती है। व्हेन द इनइंटेंशनल व्हेन द प्रिस्क्राइबर नोविंगली प्रिस्क्राइब द इनकम्पेटिबल ड्रग्स। मतलब इसके अंदर प्रिस्क्राइबर जो भी जो डॉक्टर है उसको पता होता है कि वो इसके अंदर जो इसने ड्रग जो भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो इनकम्पेटिबल है। और सेकंड, इन अनइंटेंशनल व्हेन द प्रिस्क्राइबर प्रिस्क्राइब द ड्रग विदाउट नोइंग दैट देयर इज इनकम्पेटिबल बिटवीन द प्रिस्क्राइब ड्रग्स। मतलब इसके अंदर प्रिस्क्राइबर को ये पता नहीं होता कि उसने जो ड्रग लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर वो इनकम्पेटिबल है या नहीं है। सेकंड, द प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंट्रैक्शन। इन दैट जनरली इट इज ऑब्जर्व दैट द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन प्रोसीड एट अ फास्टर रेट एंड प्रेसिपिटेट फॉर्म आर थिक। मतलब इसके अंदर हम ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं जो रिएक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन से फास्टर प्रोसीड होती है, फास्टर रेट से, और प्रेसिपिटेट फॉर्म आर थिक और वो प्रेसिपिटेट थिक फॉर्म करती है विच डू नॉट डिफ्यूज रेडिली, जो कि आसानी से डिफ्यूज नहीं होती। जो भी प्रेसिपिटेट जो भी फॉर्म करती है वो आसानी से वो इतने थिक होती है कि आसानी से वो डिफ्यूज नहीं होते। द लाइट डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट आर फॉर्म व्हेन
डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस आर मिक्स। जब जी लाइट डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट तब फॉर्म होते हैं जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम रिएक्टिंग सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं तब लाइट डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। हेंस द रिएक्टिंग सब्सटेंस शुड बी डाइल्यूटेड एट अ टू द मैक्सिमम एक्सटेंट बिफोर द मिक्सिंग। और जो भी है रिएक्टिंग सब्सटेंस जो भी है तो हमको उसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमको डाइल्यूट करना चाहिए और बिफोर मिक्सिंग दें हमको ये सब मिलाने से पहले या इनको सब मिक्सिंग करने से पहले हमको ज़्यादा से ज़्यादा उसको डाइल्यूट करना चाहिए। द प्रेसिपिटेट सो फॉर्म मे बी डिफ्यूजिबल और इनडिफ्यूजिबल। जब प्रेसिपिटेट डिफ्यूजिबल और इनडिफ्यूजिबल फॉर्म होते हैं तो द मेथड ए एंड बी इज फॉलोड इन डिस्पेंसिंग द प्रिस्क्रिप्शन यील्डिंग। तब हम ए और बी जो मेथड नीचे दी हुई है हम उसको फॉलो करेंगे इन डिस्पेंसिंग द प्रिस्क्रिप्शन यील्डिंग डिफ्यूजिबल एंड इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट रिस्पेक्टिवली। जो कि इनडिफ्यूजिबल और डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट जो भी बनता है तो हम ये ए और बी मेथड्स के अंदर उसको देखेंगे। मेथड है द मेथड इज फॉलोड व्हेन डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट आर फॉर्म इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जब डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट एक स्मॉल क्वांटिटी के अंदर फॉर्म होती है तब हम उसको डिवाइड द व्हीकल इनटू टू इक्वल्स पोर्शन। जब हम वो व्हीकल को टू इक्वल पोर्शन के अंदर डिवाइड करते हैं, जैसा एक पोर्शन को हमने 10 ml तो दूसरे को भी हमको 10 ml लेना पड़ेगा। डिजॉल्व वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इन वन पोर्शन, और एक इक्वल पोर्शन के अंदर हम रिएक्टिंग सब्सटेंस को डिजॉल्व करेंगे एंड अदर इन द और जो दूसरा वो अदर पोर्शन में रहेंगे। मिक्स द टू पोर्शन बाय स्लोली एडिंग। अब हम दोनों भी जो पोर्शन हमने निकाले थे तो एक पोर्शन को ऐसे ही रखे थे और एक में हमने रिएक्टिंग सब्सटेंस को ऐड किए थे, तो अब हम दोनों को मिक्स करेंगे स्लोली एडिंग वन पोर्शन टू द अदर बाय रैपिड स्टिरिंग। मतलब हम एक पोर्शन को अब दूसरे पोर्शन के अंदर ऐड करेंगे स्लोली ऐड करेंगे और रैपिड स्टिरिंग करते जाएंगे, मतलब फास्ट स्टिरिंग करते जाएंगे और उसको और स्लोली इसको वन पोर्शन को उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। अब सेकंड मेथड भी द मेथड इज फॉलोड व्हेन इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड इन लार्ज क्वांटिटी। जब इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट लार्ज क्वांटिटी के अंदर फॉर्म होते तो तब हम डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पोर्शन, जब तो हम इसको भी टू इक्वल पोर्शन के अंदर डिवाइड करेंगे। डिजॉल्व एंड देन डिजॉल्व वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इन वन पोर्शन, और हम एक पोर्शन के अंदर वैसे ही करेंगे जैसा हमने रिएक्टिंग सब्सटेंस ऐड किए थे, तो हमको वैसे ही करना है। दो पोर्शन लेना है इसके भी, और एक पोर्शन के अंदर हमको रिएक्टिंग सब्सटेंस ऐड करना है। देन वे अ सूटेबल क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड ट्रागाकान पाउडर, मतलब फिर हमको सूटेबल क्वांटिटी के अंदर ट्रागाकान पाउडर को लेना है, मतलब 2 ग्राम पर 100 ml, ये जो 2 ग्राम पर 100 ml, तो हमको ट्रागाकान एक सूटेबल क्वांटिटी के अंदर जो भी हम बना रहे हैं उसके सूटेबल क्वांटिटी के हिसाब से हमको ये ट्रागाकान पाउडर वे करना है एंड ट्रांसफर इन अ मोटर एंड यूज पार्ट ऑफ अ सेकंड पोर्शन। फिर हम उसको मोटर के अंदर ट्रांसफर करेंगे और जो सेकंड पोर्शन जो हमने निकाल के रखे थे उसके अंदर सेकंड पोर्शन में हम ट्रागाकान को ऐड कर देंगे टू प्रोड्यूस स्मूथ म्यूसिलेज, ताकि वो स्मूथ म्यूसिलेज बन सके। देन ऐड अदर रिएक्टिंग सब्सटेंस, और जो पहले पोर्शन में हमने रिएक्टिंग सब्सटेंस को ऐड किए थे फिर हम उसको मिक्स करेंगे द मिक्स टू पोर्शन बाय स्लोली एडिंग वन पोर्शन टू द अनदर विथ रैपिड स्टिरिंग। फिर हम इसके अंदर
जिस जैसा कि हमने पहले पोर्शन के अंदर रिएक्टिंग सब्सटेंस ऐड किए फिर उसके बाद दूसरे के अंदर हमने ट्रागाकांत ऐड किए, उसका म्यूसिलेज बनाया, और जो दूसरा पोर्शन जो पहला पोर्शन था हमारा, हम उसको उसमें स्लोली ऐड करेंगे और विथ रैपिड स्ट्रिंग, मतलब अच्छे से स्ट्रिंग भी करते जाएंगे और उस पहले वाले पोर्शन को भी, जो फर्स्ट पोर्शन उसको भी हम ऐड करते जाएंगे। और सेकेंडरी लेबल शेक द बॉटल बिफोर यूज, फिर हम उसको लेबल कर देंगे, शेक बॉटल को, शेक विल बिफोर यू शुड बी फिक्स्ड ऑन द कंटेनर वेन एवर मेथड ए और बी इज फॉलोड इन डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन। मीन्स जो भी हम लेबल कर रहे हैं वो फिक्स होना चाहिए कंटेनर पे, और जो भी हम मेथड फॉलो कर रहे थे हमने ए और बी, वो इन डिस्पेंसिंग द प्रिस्क्रिप्शन। देन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज इन केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज एंड मेथड ऑफ देयर करेक्शन। फर्स्ट वन अल्कलॉइडल इनकम्पेटिबिलिटी, इन दैट फर्स्ट अल्कलॉइडल सॉल्ट विथ अल्कलाइन सब्सटेंस, इन दैट अल्कलॉइड्स आर वीक बेसिस। अब अल्कलॉइड जो है वो वीक बेसिस हैं, दे आर ऑलमोस्ट अनसोल्यूबल इन वाटर। अब ये दे आर ऑलमोस्ट सोल्यूबल इन सोल्यूबल इन वाटर, बट अल्कलॉइडल सॉल्ट्स आर सोबल इन सोल्यूबल इन वाटर। मीन्स ये वाटर में इनसोल्यूबल है ज़्यादातर, बट अल्कलॉइड सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर, बट कभी कभी ये सोल्यूबल भी है वाटर में। इफ दीज सॉल्ट्स आर डिस्पेंस विथ अल्कलाइन प्रिपरेशन, अगर ये सॉल्ट हम अल्कलाइन प्रिपरेशन के साथ डिस्पेंस कर रहे, सच ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, सच एज स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया एसीटेट, एरोमेटिक स्प्रिट ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, द फ्री अल्कलॉइड में भी प्रेसिपिटेट। तो ये क्या करेंगे, ये फ्री अल्कलॉइड को प्रेसिपिटेट करेंगे। हाउएवर दे आर नॉट ऑलवेज प्रेसिपिटेट, बट ये हमेशा प्रेसिपिटेट नहीं करते, बिकॉज ऑल अल्कलॉइड्स आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि जो भी अल्कलॉइड्स है, जितने भी अल्कलॉइड्स हो, स्लाइटली वाटर के अंदर सोल्यूबल है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिचनिन हाइड्रोक्लोराइड इज एन अल्कलॉइड सॉल्ट, वेयर इज एरोमेटिक स्प्रिट ऑफ अमोनिया इज एन अल्कलीन सब्सटेंस। यहाँ पर जो स्ट्रिचनिन हाइड्रोक्लोराइड ये अल्कलॉइडल सॉल्ट है, और जो एरोमेटिक स्प्रिट ऑफ अमोनिया ये यहाँ पर अल्कलीन सब्सटेंस है। व्हेन दे आर रिएक्ट टुगेदर, जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो स्ट्रिचनिन गेट प्रेसिपिटेड, तो जो स्ट्रिचनिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन है ये प्रेसिपिटेड हो जाना, बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ स्ट्रिचनिन हाइड्रोक्लोराइड प्रिस्क्राइब इन द प्रिस्क्रिप्शन इज मच मोर देन इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर। बिकॉज जो स्ट्रिचनिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से, वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा दी हुई है। द एरोमेटिक स्प्रिट ऑफ अमोनिया कंटेंस नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ अल्कोहल, अब जो एरोमेटिक स्प्रिट ऑफ अमोनिया है ये उसके अमाउंट को नेग्लिट कर देंगे ऑफ अल्कोहल, विच कैन नॉट डिजोल्व द स्ट्रिचिंग, और वो उसको डिजोल्व नहीं कर पाएंगे। हेंस इट गेट प्रिसिपिटेड एज डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट, और ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा और ये डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। हेंस फॉलो ए मेथड फॉर प्रेसिपिटेट यील्डिंग कॉम्बिनेशन। अब जो हमने प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंट्रैक्शन की जो प्रोसेस पढ़े थे, तो उसके अंदर ये जो है एग्जाम्पल, ये मेथड ए को फॉलो कर रहा है। सेकेंड सोल्यूबल सैलिसाइलेट इनकम्पेटिबिलिटीज, इन वन इन दिस सोल्यूबल सैलिसाइलेट्स विथ फेरिक सॉल्ट रिएक्ट विथ सोडियम सैलिसाइलेट टू लिबरेट इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट। अब जो फेरिक सॉल्ट है ये सोडियम सैलिसाइलेट के साथ रिएक्ट करेंगे और वो इनडिफ्यूजिबल
इनडिफ्यूजिबल प्रिसिपिटेट को फॉर्म करेंगे ऑफ फेरिक सैलिसिलेट, फेरिक सैलिसिलेट को इनडिफ्यूजिबल प्रिसिपिटेट फॉर्म करेंगे। देयरफॉर फॉलो मेथड बी फॉर प्रिसिपिटेट यील्डिंग इंट्रैक्शन। अभी जो प्रोसेस है, ये जो एग्जांपल है, ये हमारी सेकंड मेथड ऑफ प्रिसिपिटेट यील्डिंग इंट्रैक्शन को फॉलो कर रहा है। इसकी एग्जांपल है फेरिक क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम सैलिसिलेट। अब जो फेरिक क्लोराइड है, ये सोडियम सैलिसिलेट के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म फेरिक सैलिसिलेट। तो ये फेरिक सैलिसिलेट फॉर्म करेगा विच गेट सेपरेटेड एंड इनडिफ्यूजिबल प्रिसिपिटेट, जो कि सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से और वो इनडिफ्यूजिबल प्रिसिपिटेट को फॉर्म करेंगे। देयरफॉर फॉलो मेथड बी फॉर प्रिसिपिटेट यील्डिंग इंट्रैक्शन। तो हमको इसके लिए हमारे जो सेकंड मेथड है, मेथड बी, तो हमको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बायोकार्बोनेट द प्रिसिपिटेट ऑफ फेरिक सैलिसिलेट रिमेन सोल्यूबल। अब जो सोडियम बायोकार्बोनेट है, उसके प्रेजेंस में वो प्रिसिपिटेट ऑफ फेरिक सैलिसिलेट ये रिमेन सोल्यूबल रहेगा, मतलब ये सोल्यूबलाइज होना बाकी रहेगा। हेंस अ क्लियर मिक्सचर विल बी फॉर्म, जिसकी वजह से एक क्लियर मिक्सचर फॉर्म होगा। जैसा कि यहाँ पर एक क्लियर मिक्सचर फॉर्म होगा, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। इलस्ट्रेट द एडवांटेज ऑफ प्रिस्क्राइबिंग सोडियम बाइकार्बोनेट अलॉन्ग विद द फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन एंड सोडियम सैलिसिलेट। सो इन दैट फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड इन दिस डिजॉल्व सोडियम सैलिसिलेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इन अबाउट 70 ml। अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमको कि सोडियम सैलिसिलेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को 70 ml वाटर के अंदर उसको डिजॉल्व करना पड़ेगा एट द फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। फिर हमको फेरिक क्लोराइड ऐड करना है, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन को ऐड करना है। इफरवेसेंट इज प्रोड्यूस, देन इफरवेसेंट यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे व्हेन इफरवेसेंट हैज सीज्ड। अगर यहाँ पर इफरवेसेंट आना बंद हो गए तो हमको उसको फिल्टर थ्रू कॉटन वूल एंड पास सफिशिएंट वाटर, फिर हमको फिल्टर करना है कॉटन वूल एंड पास सफिशिएंट वाटर के थ्रू द फिल्टरेट टू प्रोड्यूस 90 ml। अब जो भी फिल्टरेट हमारे को मिलेगा वो 90 ml मिलेगा। ओके, टुडे वी विल स्टॉप हियर। अब जो भी रिमेनिंग पार्ट है हम उसको आगे के लेक्चर में देखेंगे।